हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 9? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट यूजिंग कैन बी मेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड वन डे एज्यूम दैट द नो लेटर इज रिपीट। कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है ऐसा एज्यूम करके चलना फर्स्ट केस के लिए। तो पहले फर्स्ट केस की बात करूंगा मैं। फोर लेटर यूज द टाइप। तो वी हैव ब्लैक चूज कर लेते हैं। वी हैव सिक्स डिफरेंट लेटर्स इन मंडे इन विच टेकन फोर एट अ टाइम। यही कह रहा है आपको, फोर चूज करने हैं आपको लेटर एट अ टाइम। तो क्या करना पड़ेगा आपको, दे आर फोर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोर लेटर्स वर्ड यूज एट अ टाइम के लिए क्या हो जाएगा आपके पास सिक्स, और उसमें से क्या चूज करना है फोर। तो क्या होगा, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिक्स माइनस फोर फैक्टोरियल। सो वी हैव सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर आल्सो कैंसिल आउट हुआ। सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, सिक्स फाइव जा थर्टी, फोर थ्री जा ट्वेल्व, 36। बताओ समझ में आया? हाँ सर आ गया, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करूंगा मैं, एक मिनट, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं। ऑल लेटर आर यूज द टाइम। तो आपको क्या करना है, वी हैव सिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन विच टेकन सिक्स एट अ टाइम। तो क्या करना है आपको, सिक्स से चूज करना है इसमें। तो इसका आंसर सिक्स फैक्टोरियल होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, सही है ना, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, सिक्स फाइव जा थर्टी, फोर थ्री जा ट्वेल्व इंटू टू, कितना हो जाएगा थर्टी, ट्वेंटी फोर, ये हो जाएगा आपके पास 720। ये लो, ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस पे आ रहा हूं मैं लास्ट, ठीक है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। ओके, इन द वर्ड मंडे टू वोवेल्स आर प्रेजेंट एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए सर, वोवेल होना चाहिए मेरे पास फर्स्ट वाला जो लेटर, ठीक है। बस फर्स्ट लेटर कोई वोवेल होना चाहिए सर। आपके पास सिक्स केस है टोटल, कितने केस है, सिक्स केस है। देखो ऐसे थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, थ्री फोर। अब फर्स्ट लेटर पर कोई वोवेल होना चाहिए। वोवेल आने के चांस कितने हैं सर, टू है वोवेल आने के चांस। भाई फर्स्ट केस में कोई वोवेल आ गया, बचे कितने आपके पास, अब कितने ऑब्जेक्ट बचे आपके पास, फाइव ऑब्जेक्ट बचे। कितने ऑब्जेक्ट बचे सर, फाइव ऑब्जेक्ट बच गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव फाइव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या कहा मैंने, फाइव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है अब आपके पास। आगे आपको बस समझ में, हाँ सर आ गए। अब जब फाइव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और इनको चूज करने के लिए आपको टेकन फाइव एट अ टाइम, भाई फाइव ही तो चूज करोगे इसमें से। भाई यहां तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, आगे कोई एक वोवेल आना है वो तो ठीक है, लेकिन यहां तो चेंज कर ही सकता हूँ कम से कम। तो मेरे पास ये हो गया फाइव फैक्टोरियल, इन विच टू वोवेल्स टू इन विच टू वोवेल्स आपके पास टू वोवेल है, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज जो होंगे टू चूज डिफरेंट वर्ड्स इज फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। बताओ ये चीज समझ में आई कि, हाँ सर आ गई। इसको सॉल्व करो, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू टू, फाइव फोर जा ट्वेंटी, थ्री टू जा सिक्स इंटू टू, सिक्स टू जा ट्वेल्व,
40, बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर। अब मैं देखो उसको मंडे है, जैसे मल्टीपल प्रिंसिपल वो पढ़ा था ना आपने, प्रिंसिपल मल्टीपल वाला, उस वाले मेथड समझा सकता हूँ मैं आपको। जैसे फर्स्ट में टू वोवेल आने से, वोवेल आने के चांस कितने हैं? टू है। अब मंडे में से कोई एक वोवेल तो यहाँ आ चुका है, मतलब एक लेटर तो कम हो गया ना, बचे कितने आपके पास लेटर? आपके पास फाइव बचे हैं, तो यहाँ आने के फाइव आपके पास चांस होंगे, मतलब फाइव में से कोई एक आएगा, मतलब आपके पास चूज करने के लिए फाइव ऑप्शन है ना, फाइव में से कोई एक यहाँ आ गया, तो अब यहाँ फोर बचा, यहाँ थ्री बचा, यहाँ टू बचा, यहाँ वन बचा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाना है आपके पास क्या, इसका आंसर सेम। तो आप इसको एमपी वाले तरीके से भी कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से भी, मतलब एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप परम्यूटेशन जो है ना, बस जो एनपीआर वाले फॉर्मूले होते हैं ना, मतलब उसी के अंदर इनका ज्यादा यूज होता है, बाकी आप मतलब सारे क्वेश्चंस को जो है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्टली आंसर आपका मैच करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।